हेलो गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे, हमारा जो टॉपिक है फिलॉसफी का है वो है एनलाइटमेंट। सो व्हाट इज एनलाइटमेंट? एनलाइटमेंट इज डिफाइंड एज ह्यूमैनिटी लिबरेशन फ्रॉम सेल्फ इम्पोज इमेच्योरिटी वेयर इंडिविजुअल रिलाई ऑन एक्सटर्नल गाइडेंस इंस्टेड ऑफ यूटिलाइजिंग देयर इंटेलेक्ट इंडिपेंडेंस। तो क्या बात करी जा रही है, एनलाइटमेंट क्या होता है? एक जो ह्यूमन बीइंग होता है उसके खुद के पास खुद के सोचने की एक पावर होती है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है। अब अगर वो इंडिविजुअल, वो ह्यूमन बीइंग अपने खुद के पावर को यूज़ ना करके एक्सटर्नल गाइडेंस, मतलब कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहेगा, तो वो अपना खुद का कैसे मच्योर हो पाएगा, बताइए? इमेच्योरिटी आएगी उसके अंदर। तो इसी को कहा गया है एनलाइटमेंट। नेचर ऑफ इमेच्योरिटी, तो नेचर क्या है अब इमेच्योरिटी का? इमेच्योरिटी इज़ नॉट एट्रीब्यूटेड टू लैक ऑफ इंटेलेक्ट बट रेदर टू डिफिशियंसी इन डिटर्मिनेशन एंड करेज टू यूज़ वंस इंटेलेक्ट विदाउट एक्सटर्नल डायरेक्शन। तो कहा जा रहा है जो इमेच्योरिटी है वो ये नहीं है कि तुम अपनी अंडरस्टैंडिंग को नहीं जानते हो, या फिर आपका कोई रीज़न, मतलब थाट, ऐसा कुछ आपके पास पावर नहीं है। आपके पास सब कुछ है, आप सोच सकते हो, आप सब कुछ आपको समझ में आता है, बट आपके अंदर वो करेज नहीं है, वो हिम्मत नहीं आ पा रही है कि आप अपने आप अपना वो डिसीज़न ले सके। दूसरों के ऊपर निर्भर हैं और उनके डायरेक्शन से आप आगे अपनी लाइफ को चला रहे हैं, तो इसी को हम इमेच्योरिटी कहते हैं। सपेरा ऑर्डर, सपेरा ऑर्डर का मतलब क्या है? अब डेयर टू नो, इसका मतलब होता है डेयर टू नो, अपने आप को जानो। द मोटो ऑफ एनलाइटमेंट इज सपेरा ऑर्डर। तो जो मोटो है एनलाइटमेंट का वो क्या है? सपेरा ऑर्डर है, जिसे कहा गया है डेयर टू नो। दिस एम्फेसाइजेस द करेज नीडेड टू इंडिपेंडेंटली इनकरेज वंस इंटेलेक्ट विदाउट रिलाइंग ऑन एक्सटर्नल अथॉरिटी। तो कहा जा रहा है कि डेयर टू नो का मतलब ही यही है कि अपने आप को जाने और अपने आप, अपना जो खुद का करेज, अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ को आप खुद से अपने दिमाग से चलाएं, ना कि दूसरों के ऊपर रिलाई होकर, एक्सटर्नल अथॉरिटी ना दी जाए आगे दूसरों को। आइडलनेस एंड कोवर्डाइज एज इन हिंडरेंस, आइडलनेस एंड कोवर्डाइज आर आइडेंटिफाइड एज सिग्निफिकेंट ऑब्स्टेक दैट प्रिवेंट अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ ह्यूमैनिटी फ्रॉम एम्बरेसिंग मैच्योरिटी डिस्पाइट बींग नेचुरली कैपेबल ऑफ इंटेलेक्ट इंडिपेंडेंस। सेकेंड पॉइंट ये है कि इंडिविजुअल ऑफन फाइंड कम्फर्ट इन इमेच्योरिटी एज इट अलाउज दैम टू अवॉइड द एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर इंडिपेंडेंट थिंकिंग। थर्ड वन टू ईज विद विच इंडिविजुअल एक्सेप्ट गाइडेंसिप इज एट्रीब्यूटेड। तो ये कहा जा रहा है कि एक इंडिविजुअल को मैच्योर होने के लिए अपने खुद की लाइफ, अपने खुद के दिमाग से इंडिपेंडेंटली उसे सोचना होगा, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना होता है। और दूसरी बात ये करी जा रही है कि एक इंसान को कंफर्ट मिल रहा होता है अगर कोई और अपना डिसीजन उसको बता देगा, तो उसको खुद को, अपने आप को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद की थिंकिंग का तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसकी वजह से एक इंडिविजुअल को आदत पड़ जाती है। द अरेंजमेंट ऑफ हैविंग अदर थिंग गाइड और मेकिंग डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ इंडिविजुअल इज डिस्क्राइब एज कम्फर्टेबल। दिस डिपेंडेंसी फैसिलिटेड बाय गार्डियन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द प्रोलॉन्ग इमेच्योरिटी ऑफ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। तो यही बात करी जा रही है कि दूसरा इंसान अगर उसे अपनी थिंकिंग पावर दे देगा, अपना गाइडेंस बता देगा, अपने डिसीजंस दे देगा, तो एक इंडिविजुअल कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएगा और उसको डिपेंडेंट हो जाएगा पूरी तरह से अपने गार्डियन के ऊपर। द जर्नी टूवर्ड्स मेच्योरिटी इज इम्पैक्टेड एज बोथ चैलेंजिंग एंड फुल ऑफ डेंजर और रिस्क। तो इसके वजह से जो एक इंडिविजुअल की जो मेच्योरिटी होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चैलेंज करेगी आने वाले समय पे, और बहुत ही ज़्यादा उसके लिए रिस्की लाइफ बन जाएगी। इंडिविजुअल फाइंड इट चैलेंजेस टू ब्रेक फ्री फ्रॉम ऑलमोस्ट इन ग्रीन डिफिकल्ट टू चेंज स्टेट ऑफ मेच्योरिटी। द फियर ऑफ फेलियर एंड लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडिपेंडेंट थॉट हिंडर देयर प्रोग्रेस। तो यही बात करी जा रही है कि इंडिविजुअल क्यों अपनी, मतलब अपना यूज दिमाग का, अपना खुद का मेच्योरिटी लेवल क्यों नहीं बढ़ा रहा है, क्योंकि उसे डर है, उसे फियर है किसका, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। रोल ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग, द टेक्स्ट सजेस्ट दैट देयर आर फ्यू हाउ through intellectual effort manage to emerge from immaturity and confidently navigate independent thought. These independent thinking play a crucial role in spreading a rational appreciation of individual's worth and thinking for oneself.
पब्लिक एनलाइटमेंट इज सीन एज इनएविटेबल व्हेन गिवन द फ्रीडम टू अकर. कहीं ना कहीं पब्लिक एनलाइटमेंट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक इंडिविजुअल के अंदर, कि वो किस तरह से सोसाइटी में डिसीजन ले रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक इंडिविजुअल के नेचर को दिखाने के लिए. वेरियस अथॉरिटी रिप्रेजेंटेड बाय ऑफिसर, टैक्स कलेक्टर एंड क्लर्जी मेंस आर पोर्ट्रेड एज रेसिस्टिंग द कॉल फॉर इंडिविजुअल टू यूज़ देयर रीज़न. Do not argue and emphasize the offensive nature of certain societal rules. The genuine enlightenment requires nothing. Genuine जो enlightenment होता है उसे कुछ नहीं चाहिए होता है, बस freedom की ज़रूरत है कि वो अपने खुद के decision अपने आप से ले सके, अपना mind use कर सके और maturity level तक आ सके. The public use of one's reasons must always be free to promote enlightenment among humans. तो यही बात करी जा रही है कि एक ह्यूमन को पब्लिकली अपना राय दे सकता है, अपने decisions बता सकता है, उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. Scholars can be freely argue in public use of reasons. In certain affair for commonwealth, a persuasive role in is required and individual must obey without arguing. Citizens must pay taxes and can be punished for publicly rebuking leaves, but scholars can express thought against them. Scholars enjoy full freedom to communicate their thoughts on religious institutions and suggest empowerment to the public. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग अवर दिस वीडियो एनलाइटमेंट टॉपिक. और इसी तरह से आपको सोशल पॉलिटिकल के और भी लेक्चर्स मिलते रहेंगे बीए फिलॉसफी से रिलेटेड. और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी सोशल पॉलिटिकल के एग्ज़ाम को देने के लिए अगर आप ऐसे ही लिखकर आ जाएंगे कि वैसे तो ये शॉर्ट नोट में आता है ये क्वेश्चन, तो इसीलिए आपको इतना ही कंटेंट सही रहेगा लिखने के लिए. थैंक यू.